बुरा मत मानिए, तो एक बात कहूंगा, आप देश की एक जानी मानी पत्रकार है, आज मगर आपसे एक गलती हो गई है। आपको आज संबित पात्रा वर्सेस पवन खेरा का डिबेट नहीं कराना था, आपको संजय निरुपम वर्सेस पवन खेरा का फेस ऑफ कराना था। क्योंकि देखिए, ये तो जवाब संजय निरुपम जी का दे रहे हैं, पवन खेरा जी, संजय निरुपम जी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं पवन खेरा की बातों का, कि नहीं हमारे पास युवा नेता नहीं है, भविष्य का नेता नहीं है। तो संबित पात्रा को आज आप घर पे ही बैठने देते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज दीर्घा में बैठ के इनके डिबेट को देखते तो ये अच्छा रहता, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। सर आराम से, सर मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, अब मैं आराम आराम से बोल लू सर, आराम से आराम आराम से बोलते हैं, आराम से बोल, आराम से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं सर, आराम का वक्त जरूर मिलेगा। कोई बात अंजना जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि मैं शांति से बोल लूं, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है, इस प्रकार से मतलब आप अपनी बात पूरी कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा, बीच में मैं आऊंगी, बिल्कुल उचित नहीं है। अरे चिल्लाने की तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप चाय पीने आ जाइएगा, आपको खाना खिला के भेजेंगे, चिंता मत करिए, आपको मैं वेलकम करता हूँ चाय पीने के लिए, मगर अभी सुन लीजिए, अभी चिल्लाइए संजय जी, जवाब दे ले फिर जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता, कैसे जवाब दूं, आप बीच में इंटरप्ट करने दे रही है, मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, कैसे जवाब दूं, कैसे जवाब दूं, जब ये बीच में नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, आप थोड़ी देर के हटा दीजिए इनको, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोलिए कैसे बात कर रहे हैं एंकर से, पवन जी प्लीज, आप कितने तमीज से अंजना जी से बात कर चुके हैं, ये पूरी दुनिया देख चुकी है, मैं तमीज से ही बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अंजना जी, एक बहुत बड़ी आपत्ति के साथ में इस डिबेट में, हाँ, इन्होंने हरेन पंड्या के बारे में बात की, जिसके विषय में कोर्ट तक में भी फैसला हो चुका है। देखिए, आज एक सवाल बहुत लोगों के मन में है, कांग्रेसियों के मन में है, कि माधवराव सिंधिया और राजेश गहलोत को किसने मारा, किस कारण से मारा, एक्सीडेंट में वो कैसे गए, ये प्रश्न बहुत कांग्रेसियों के मन में है। या आपने जो इशारा किया है ना अभी हमारे बीजेपी की तरफ, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, आप जानते हैं किसने मारा है और इन दोनों को कौन मारा है? मैं कुछ एलेज नहीं कर रहा हूं, मगर देखिए, जिनके घर में कातिल बैठे हो ना, वो कत्ल के बारे में शेरो शायरी ना करे तो अच्छा है। इसलिए पवन जी, बोलने से पहले हजार बार सोच लीजिए, कातिल कौन है और किन का कत्ल आप लोगों ने किया है और किन कारणों से किया है, और आज भी वही कत्ल कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी फीका ना पड़ जाए। यंग टैलेंट के सामने राहुल गांधी, जो बड़ा वाला बर्तन है ना, जो बर्तन खाली है और जिसके कारण से सारे बर्तन बज रहे हैं, वो बड़ा वाला बर्तन फीका ना पड़ जाए, इसलिए ये सारा कुछ चल रहा। आज भी कत्ल हो रहा है, आज टैलेंट का कत्ल हो रहा था, पहले किसी और प्रकार का कत्ल हुआ था। तो दो अलग अलग थ्योरी है संबित जी, आपकी बात और संजय जी की बात तो मेल नहीं खाती। संजय निरुपम का मानना है कि जो ओल्ड गार्ड है पार्टी के अंदर, वो युवा गार्ड को, युवा गार्ड को मौका नहीं दे रहा है। आपका कहना है कि राहुल गांधी को सुरक्षित रखने के लिए जो जनाधार वाले युवा नेता हैं, उनको पार्टी दरकिनार कर रही है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन फिर देखिए, मैं हाँ, मैं आपने मेरे से पूछा नहीं जी, संबित जी पूरा कर रहे हैं इस पर, ये काउंटर क्वेश्चन संबित पात्रा से था मेरा। संजय निरुपम तो कह रहे कि ओल्ड गार्ड हावी हो रहा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, संजय निरुपम जी भी और मेरे भाई पवन खेरा जी भी सत्य को जानते हैं। देखिए, दो गुट है आज कांग्रेस पार्टी में, सोनिया गुट जिसको ओल्ड गार्ड कहा जाता है और राहुल गुट। अशोक गहलोत किस गुट के व्यक्ति हैं? वो सोनिया गुट के व्यक्ति हैं। सचिन पायलट किस गुट के व्यक्ति हैं? वो राहुल गुट के व्यक्ति हैं। ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है? ये ओल्ड गार्ड वर्सेस राहुल गार्ड के बीच में हो रही है। आपको क्या लगता है ये बातें पता नहीं? सबको पता है, जो पत्रकार बैठे हैं, जो पत्रकार वहां खड़े हैं और दिन रात कवर कर रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, और जनता, सभी को ये पता है सच्चाई कि कांग्रेस के अंदर सोनिया गुट और राहुल गुट एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी संबित जी, संबित जी, अभी आप ही ने कहा, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन में पॉइंट आउट कर रही हूँ। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि जो युवा नेता हैं वो ज्यादा बड़े हो तो उनकी जगह चली जाएगी, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर वो राहुल गांधी के ही गुट के हैं तब राहुल गांधी क्यों उनके खिलाफ सोचेंगे? नहीं नहीं, गुट देखिए, राहुल गांधी के गुट के तो उनके पास उपाय नहीं है ना, गुट में तो या तो इस गुट में या तो उस गुट में रहना ही पड़ेगा। किंतु परिवार, ये परिवारवादियों की पार्टी है, परिवार कभी भी नहीं चाहेगा, उस समय भी नहीं चाहता था कि माधवराव सिंधिया बढ़ जाएं, उस समय भी नहीं चाहते थे कि राजेश गहलोत बढ़ जाए, क्योंकि उनमें पीएम कैंडिडेट के एस्पिरेशंस थे, और आज भी वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट बढ़ जाए, पहले नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़ जाए, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं जिनमें भविष्य का पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर एक क्लाउड बनाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से चद्दर ढक देगा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ समझ रहे हैं। इन्होंने बार बार मुझसे, पवन खेरा ने कहा हमारे घर में वार्निश हो रहा है, वार्निश हो रहा है, आप समझेंगे नहीं, वार्निश हो रहा है, वार्निश नहीं हो रहा है, फिनिश हो गया है, फिनिश, वो फिनिश हो गया है, उसको कितना भी वार्निश करने से चमकने वाला नहीं है।